एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? इस बात का एलजी कौन? एलजी हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे। इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई तीन चीजें हैं, एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, कल तीन दिन से मैं बोल रहा हूँ। 284.17 पैरा, इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी, उन्होंने दो बार लिखा। उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक decisions। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा भी एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।